तो उसमें गठबंधन का समय था और आप लोगों ने उनको वोट दिया, तो क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जिस तरीके से विकास तो खैर हर सरकार कर रही है, भी किए हैं, ये तो हम लोग मानते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन 205 लाख करोड़ विदेश से कर्ज लेकर के विकास करवा रहे हैं और उस कर्ज को कहाँ कहाँ देने हैं। आज 16 लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों को माफ़ कर दिए, उद्योगपतियों का इन्होंने माफ़ कर दिया, किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ किए, गरीबों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ किए? किसान बारह महीने तेरह महीने तक बेचारे धरने पर बैठे रहे, 700 किसान शहीद हो गए, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री कोई को सरकार कांग्रेस की होती थी बुला के उनकी समस्या सुनता था? बॉर्डर पर कील लगवा दिए, बॉर्डर पर जो है बुलडोजर लगवा दिए, उनके रास्ते बंद कर दिए, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, ये भी कोई सरकार है? क्या लगता है इस बार वकील साहब किस तरीके से जनता चाह रही, क्योंकि आपके यहाँ तमाम प्रकार के लोग आते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर? देखिए जनता की ये ओपिनियन, इसमें चुनाव जो है नेता नहीं लड़ रहे हैं, नेता लोग गठबंधन नहीं किए, जनता रुष्ट है, लेकिन जनता का पूरा इरादा है कि सरकार को बदल दो, परिवर्तन जनता चाहती है। इस बार हवा अलग बह रही है, हवा अलग बह रही, परिवर्तन जनता चाह रही है, क्योंकि लड़के बेरोजगार हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बच्चों को जो है वैकेंसी नहीं मिल रही, बच्चे परेशान हैं। हमारे भी दो बच्चे इलाहाबाद पढ़ रहे हैं, एक लड़की एक लड़का, आज 8 साल हो गया, लेकिन कोई भी जब फार्म डालेंगे पेपर लीक हो गया, क्या करें? लीक वाली बहुत समस्या गंभीर है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं किसी तरह, हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हैं। अब 5 किलो राशन दे दें, 5 किलो राशन से किसका पेट भर जाएगा? आशा है कि बदलाव होगी, नौकरी मिलेगी। हमको आशा पूरी तरह है कि सरकार बदलेगी तो बच्चों को नौकरी मिलेगी जी, निश्चित रूप से। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? मेवालाल पटेल। मेवालाल पटेल, क्या माहौल है? माहौल तो सबका अपना अपना समझ है। अरे आपका क्या माहौल है? आपका क्या माहौल है? हमारा माहौल तो उतना घूमते नहीं है। अरे है तो बीजेपी है क्या? हम तो बीजेपी में। बीजेपी ऐसा कहो ना, छुपे रुस्तम निकल गए। देखिए बीजेपी में है, पिछले सरकार से अगले से वर्तमान सरकार में तुलना करने के बाद जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छा पेपर लीक होना आरओ यारो का ये अच्छा काम है? ये तो पेपर लीक होना ये तो कर्मचारियों के क्या नतीजा है, क्या ढंग है, वो तो कर्मचारी वो लोग जानेंगे। हाँ वो तो, लेकिन छुपे रुस्तम है चाचा, आराम से सुनते रहे और बताए गुपचुप गुपचुप। नहीं गुस्से में नहीं, गुपचुप गुपचुप ना, मैं तो भाजपा के समर्थक हूँ। तो भाजपा के मुख्य क्या विकास हैं जो आप उनके बहुत बड़े समर्थक हैं? पहले से जो सड़कें हैं और काम है, रोड पे है, जो काम हुआ है, हर चौराहे पे कचरा हो रहा था वो साफ है, भाजपा की सरकार से, मतलब पहले सरकार से पिछले सरकार में काम जो हो रहा है सही हो रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो दो हैं। दो हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? दो लड़के हैं, दो लड़के। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं पढ़ नहीं रहे, मतलब नौकरी की कोई नहीं, 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 मतलब ठीक है मोदी जी ठीक है। तो जनप्रतिनिधि है, क्या लगता है बदलाव बसपा किस तरीके से देखते हैं बसपा को? बसपा तो हमारा लोग का कोर ऊंट है, बसपा ही तो हम लोग है ही है, लेकिन कम से कम 50% हम लोग सपा में वोट करेंगे। श्याम सिंह यादव को किस नजर? श्याम सिंह यादव ठीक थे लेकिन 5 साल 80 में आए नहीं। वो कहते थे कि हमारी सरकार नहीं बनी लेकिन हम उनके लिए जितना हो सका मैं ज्यादातर काम किया हूँ। काम किए हैं जहाँ किए हैं वहीं पाई ही, जहाँ ना किए हैं वहीं ना पाई ही, लेकिन इस बार जनता बदलाव की तरफ है। बदलाव की तरफ। चाचा क्या नाम है? आ जाइए थोड़ा इधर, आप आ जाइए थोड़ा सा, आपसे दो सवाल पूछूंगा बस, जूम कर लीजिए। क्या नाम है चाचा आपका? मिठाईलाल पटेल। मिठाईलाल पटेल, बड़ा बढ़िया नाम है, मीठा वाला नाम है आपका। क्या लगता है इस बार? इस बार लगता है हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा लोग कहीं कदर नहीं है, न बसपा न सपा न कांग्रेस, हम लोग भी अपना रास्ता तय करेंगे। कौन सा रास्ता तय कर रहे हैं? अरे जहाँ हमारा नेता जाएगा हम वहीं जाएंगे। 3 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हाईवे तो आपने छोड़ दिया, आप किस पे जाने वाले हैं? हमारा नेता जहाँ जाएगा वहाँ जाएंगे। आपके नेता कौन है? हमारा नेता अनप्रिया है, पल्लवी है। वो तो भाजपा में है? भाजपा में हो चाहे कहीं हो, हमारा नेता जहाँ जाएगा हम वहीं जाएंगे। और न समाजवादी में कदर है, न बसपा में कदर है, न कांग्रेस में कदर है, हमारा नेता जहाँ जाएगा हम वहीं जाएंगे। जहाँ इशारा मिलेगा वहाँ आप चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल।
अब ये कमला बाजार में हूँ और यहाँ काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई और लोगों से बातचीत, एक भाई साहब मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। और सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, ठीक। क्या लगता है इस बार? क्या लगता है, पहली बात तो मैं आज़ाद VIP न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे बड़े भाई हैं आप श्री आज़ाद यादव जी। लगने की बात जो है मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपने काफ़ी लोगों से स्टेटमेंट लिया है, मैं बताना चाहूँगा अभी तक जैसे श्याम सिंह यादव की बात चल रही थी जी, जो हमारे सांसद थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगातार कोरोना काल में तीन साल का संसदीय का निधि था, जो पैसा था, वह जान लीजिए कि कोरोना काल में माननीय सांसद जी के द्वारा लिया गया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जी। 2 साल का जो पैसा बचा है उसका आप लोगों के सामने जान लीजिए लेखा जोखा माननीय सांसद जी दिए हैं जी। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव बेहतरीन है और हमारी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन है सर जी, और अपने मिशन के साथ काम करती है। और श्याम सिंह ऐसे प्रत्याशी हैं, बेदाग छवि वाले प्रत्याशी हैं, जैसा कि अभी आपने बात किया किसी भाई के माध्यम से कि उनका कोई तामझाम नहीं है, वो बहुत साधारण व्यक्ति हैं और अच्छे लेवल पे रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कहीं उनके नाम पे कोई जान लीजिए कि आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हैं। और जो हमारे विपक्षी लोग की बात है तो उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा देश ही प्रदेश सब जान रहा है। और वोट की बात जहाँ तक रही, हमारा जान लीजिए सर समाज अभी तक जान लीजिए एनालिसिस कर रहा है और पूरी तरह से वो परख रहा है, अभी पूरी तरह से सस्पेंस में बना हुआ है कि कौन कितने आधार पे जा रहा है, किस ऊंचाई पर जा रहा है। तो सर समाज हमारा जान लीजिए हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी साहब के जो सांसद हैं आपके पार्टी से, उनसे मैंने वह बात रखा था कि आप गांव में दिखाई नहीं देते, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों को मारता, भौकाल बनाकर गनर आगे पीछे लेके चलता, तब लोग मुझे जानते कि हाँ सांसद जी आए हैं। इसमें कितनी सच्चाई, उनकी बातों में दम है कि नहीं? देखिए, मैंने आपके पहले मैंने स्टेटमेंट दे चुका हूँ माननीय श्याम सिंह यादव के बारे में। श्याम सिंह यादव ऐसे जान लीजिए एक भौकाली नेता टाइप के नहीं हैं, वो देखिए साधारण जान लीजिए बेदाग मतलब साफ सुथरी छवि वाले हमारे सांसद जी रहे हैं। चाहे जिस मुद्दे पर बात उठानी रही हो, तो एक बार नहीं कई बार सांसद में उन्होंने समाज के बारे में, सर समाज के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया है, चाहे जिस मुद्दे पर रही हो, चाहे वो रेलवे की मुद्दा रही हो, चाहे ओवर ब्रिज का मुद्दा रहा हो, चाहे वो आप हमारे मेडिकल कॉलेज की मुद्दा रहा हो। और यहाँ लोगों के बीच में कुछ जो माइनस पॉइंट लोगों के दिमाग में बात चल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उनको यादव समाज होने के नाते एक अच्छे लेवल पे हमारी पार्टी ने उनको पद भी दिया था और अन्य प्रदेशों में जा करके उनको डेवलप करने का काम दिया गया था, तो अन्य प्रदेशों में भी वह जा करके पार्टी का काम करते थे। एक नारा अभी जल्द में वायरल हुआ है कि पहले भाई बाद में सफाई, कितनी सच्चाई है? देखिए, वो बात की बात है, पहले भाई बाद में सफाई वो अलग मामला है। देखिए, जो हमारे यादव समाज के भाई हैं, वह खुद जान लीजिए कि इस बार सोच रहे हैं कि हमको करना क्या है, ये अपने तरीके से जान लीजिए एनालिस करेंगे कि हमको करना क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, वह जान लीजिए कि समय बताएगा कि कौन कितना भारी है किसके ऊपर इस बार। लेकिन माहौल गर्म है सांसद का? बिल्कुल गर्म है, हमारे जो मतदाता हैं, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के मूल मतदाता हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो माइनॉरिटी के हों, चाहे वो सर समाज के हों, चाहे वो SC समाज के हों, वो दबी जुबान से एकदम शांति बना करके इस समय जान लीजिए कि बैठे हुए हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, इस तरीके से सीधा आने वाले समय पर वो जवाब देना चाहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या नाम भाई साहब आपका? क्या लगता है इस बार 25 तारीख को किस तरफ झुक रहे हैं आप सब? भाई के साथ हैं। भाई जहां कह रहे वहां जी। सांसद जी कैसे हैं जो वर्तमान में जिनको टिकट मिला है बसपा? इतना तो नहीं जानते अभी, लेकिन ठीक है, ठीक। जो भाई कहते ठीक है, ठीक। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं, यह महाराजगंज थाना क्षेत्र के कमला बाजार है। यहां तमाम लोगों से मेरी बातचीत हुई
और अपनी लोगों ने राय रखी। फिलहाल रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।